अच्छा, मैं अब प्रोसीड करता हूँ जी। हम रेडिट की तरफ जा रहे हैं। रेडिट का थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको बता देता हूँ कि रेडिट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, रेडिट एक कम्युनिटी है, जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह जैसे। वहां पर लोग अवेलेबल होते हैं और वहां पर डिस्कशन वगैरह होती है। वैसे ही सेम रेडिट के ऊपर भी जो है ना डिस्कशन वगैरह और जो है ना मटेरियल वगैरह लोग अपना शेयर करते हैं। जो इसके ऊपर डिफरेंट सब रेडिट्स होते हैं, ठीक है। सब रेडिट्स मतलब कैटेगरीज, आप उनको कह सकते हैं कि कैटेगरीज को सब रेडिट कहते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास म्यूजिक की है, न्यूज की है, वर्ल्ड न्यूज की है, या वीडियोस की है, उसके बाद पिक्स की है, आस्क रेडिट है, यानी क्वेश्चन वगैरह करने हैं तो आस्क रेडिट है। हर कैटेगरी को के डिफरेंट सब रेडिट्स हैं, ठीक है। मतलब उनको सब रेडिट्स हम कहते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। जिस तरह ये ऊपर नजर आ रही है, गेमिंग की है, टुडे लर्न है और मूवीज है, इसके बाद काफी और सब रेडिट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब कुछ और चीजें आपको इसके बारे में बताता हूँ जनाब, कि सब रेडिट्स को ओपन करने के लिए एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी जो कम्युनिटी होती है वो ज्यादातर जो कम्युनिटी है वो यूएसए की ही है। तकरीबन जो है ना 70 to 80% यूएसए के लोग यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद कनाडा, यूके वगैरह और जर्मनी वगैरह के भी काफी लोग होते हैं, लेकिन कम्युनिटी ज्यादा एक्टिव जो है ना वो यूएसए की है, ठीक है। काफी लोग वहाँ के यानी कि एजुकेटेड लोग हैं, और अगर अच्छी आप पोस्ट करते हो यहाँ पे, अच्छा मटेरियल पोस्ट करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसको आप बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और उसको बहुत ज्यादा जो है ना बूस्ट देते हैं। अगर आप बुरी चीज यहाँ पर शेयर करोगे तो आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा जलील भी करेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत चीजें इसके ऊपर है। आप अक्सर लोग जो है ना रेडिट को बहुत लाइक करते हैं, बल्कि वो फेसबुक या ट्विटर वगैरह को इतना यानी कि सपोर्ट नहीं करते जितना रेडिट को करते हैं। एनीवे जी, रेडिट के ऊपर सब रेडिट मैंने आपको बताएं के सब रेडिट्स होते हैं। अब सब रेडिट को ओपन करने के लिए आपने reddit.com/r और कुछ भी लिखें, मतलब साइंस लिखें, टेक्नोलॉजी लिखें, टुडे लर्न या इंफोग्राफिक या कोई भी जो वो आपके जेन में लगता है कि ये कैटेगरी है, ठीक है, तो आप वो लिखें, वो ऑलमोस्ट इसका सब रेडिट होगा, ठीक है। मतलब आप हम कह रहे हो जी न्यूज का, आप न्यूज सर्च करना चाह रहे हो, तो आप reddit.com/r/news, आप न्यूज सर्च करना चाह रहे हो तो न्यूज पे यानी कि न्यूज लिखो और एंटर कर दो, तो आपको न्यूज का सब रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अब न्यूज के सब रेडिट्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर न्यूज ही ज्यादातर लोगों ने शेयर की होंगी। अब हर सब रेडिट्स के अपने रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उनके अपने मॉडरेटर होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके अपने मॉडरेटर्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी मुझे बता लेने दीजिएगा इसकी इंट्रो मतलब रेडिट का, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा इसका, ठीक है। इसका मैं बता रहा हूँ, तो कि इसके अपने रूल्स होते हैं। ये राइट साइड पे आपको रूल्स नजर आ रहे हैं इसके, ठीक है, कि इसके अंदर उसने बताया कि समवेयर इट्स नॉट अ न्यूज, कि योर पोस्ट विल लाइकली बी रिमूव्ड इफ इट नॉट अ न्यूज, यानी कि न्यूज नहीं है, ये एनालिसिस वगैरह है तो आपकी पोस्ट को रिमूव कर देगा, और कंसर्न स्किल्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या टाइटल नॉट टेकिंग फ्रॉम द आर्टिकल, आर्टिकल के रिलेटेड, ये जितने न्यूज यानी कि रूल्स उन्होंने बनाए हैं ना, वो आप लोगों ने रूल्स पढ़ लेने हैं, और हर सब रेडिट के राइट साइड पे उसके रूल्स होंगे, ठीक है, और रूल्स और रेगुलेशन को आपने लाजमी पढ़ने। अब यहाँ पर सिर्फ एक तो होता है बॉट, ठीक है, जिस तरह फेसबुक के ऊपर है और ट्विटर के ऊपर है, वहां पर लोग नहीं बैठे हुए, मतलब बैकग्राउंड पे लोग नहीं बैठे हुए, जस्ट बॉट काम कर रहा है। मतलब आप पोस्ट करते हो तो बॉट जो है ना उसने जो कोडिंग की हुई है ना उन लोगों ने, वो वर्क करती है और उसको हैंडल आउट जो है ना वो मैन पावर कर रही है। यहाँ पर एग्जिस्ट इस जो आप मटेरियल शेयर कर रहे हो वो मॉडरेटर है, उनको देखने के लिए मॉडरेटर भी बैठे होते हैं, ठीक है। जस्ट वो ये नहीं करते कि जस्ट जो है ना उन्होंने बॉट के ऊपर काम छोड़ा हुआ या आपके रिकॉर्डिंग के ऊपर काम छोड़ा हुआ, नहीं, वो खुद भी ये काम करते हैं। यहाँ पर नीचे ये मॉडरेटर है, मतलब उनको देखने वाले या इनके जो कह रहे हैं, कह सकते हो कि
एडमंस कह सकते हो, ठीक है, इस सब रेडिट के एडमंस है। हर सब रेडिट के अपने अपने एडमंस होते हैं जिनको मॉडरेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वॉच आउट करते रहते हैं कि जी कौन रूल्स के मुताबिक काम कर रहा है और कौन जो है ना रूल्स के मुताबिक नहीं काम कर रहा, ठीक है। कुछ चीजें इन्होंने जो रूल्स की होती हैं वो उन्होंने अपने बॉट के अंदर या अपने जो एल्गोरिथम है या जो आपको कोडिंग है उसमें उन्होंने डाली होती है। स्टिल जो है ना अगर वो बॉट को बीट कर भी देता है, ठीक है, तो स्टिल जो है उसको आगे मॉडरेटर जो है ना वो देख लेते हैं कि ये हमारे सबरेडिट्स के मुताबिक है या रोज के मुताबिक है या नहीं है। और अगेन नेक्स्ट ये देखते हैं कि ये स्पैमिंग तो नहीं कर रहा काम, मतलब कोई अगर काम कर रहा है, मतलब हम यहाँ पर काम शुरू करते हैं तो ये स्पैम तो नहीं कर रहा, तो ये भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर लोग भी पीछे बैठे हुए हैं वो जो आपका काम देख रहे हैं, तो इस इनकी वजह से ही आप कह सकते हो कि इस रेडिट को जो है ना मुश्किल समझा जाता है जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से, अगर आप ये लोग ना हो तो रेडिट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना आप समझो कि गंद पड़ा हो और लोग बहुत ज्यादा जो है ना ये वॉच आउट करते हैं कि जी हर चीज को हर मटेरियल को वॉच आउट कर रहे होते हैं अक्सर का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इंट्रो था रेडिट के बारे में। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, रेडिट के ऊपर किसी भी सब रेडिट पे आप कोई पोस्ट करते हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले न्यू के अंदर यहाँ पर कुछ चीजें नजर आ रही है ऊपर, ठीक है, किसी भी सब रेडिट पे ओपन करते हो तो वो सबसे पहले न्यू में जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आप पोस्ट करते हो कोई भी तो वो न्यू के अंदर आती है, ठीक है, जैसे ये कुछ न्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये जस्ट नाउ, ये भी जस्ट नाउ, ये एक मिनट, ये दस मिनट, ये दस मिनट, ये बारह मिनट, जैसे जैसे वो ओल्ड होती जाती है वीडियो या पोस्ट वो नीचे जाती जाती है, ठीक है। ये न्यू में सारी ही पोस्ट आपको नजर आएंगी इसकी जो रिसेंट टाइम के अंदर पोस्ट की गई हो, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूज के अंदर से 12 या 13 मिनट स्टे करती है, बल्कि तो होती तो न्यूज में ही है, लेकिन 12 13 मिनट बाद अगर वो पोस्ट या मटेरियल जो आपने सबरेडिट के ऊपर पोस्ट किया है या शेयर किया है वो 12 या 13 मिनट के बाद राइजिंग में जाता है, ठीक है, 12 अगर वो अच्छी जा रही है पोस्ट, मतलब उसकी पोस्ट को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है ना अपवर्ड कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं। अब ये अपवर्ड डाउनवर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब राइजिंग में आती है वो भी आपको कैटेगराइज करता है फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइव पे, यानी कि जो बहुत ज्यादा चल रही हो वो उसको आप फर्स्ट पे ले आता है, और जो उससे कम चल रही हो जैसे 11 मिनट के अंदर जो है ना सेकंड नंबर पे आ गई है और उसको 2 कमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है, और ये 1 घंटे में 11 कमेंट्स हैं, 39 मिनट में 2, उसको कैटेगराइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर राइजिंग के अंदर पोस्ट जो है वो 1.5 घंटा रहती है, यानी कि मोस्टली 1 घंटा या 1.5 घंटा पोस्ट यहाँ पर राइजिंग में रहती है, ठीक है। यहाँ से पोस्ट जो अगर तो उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं और मतलब उसके बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग उसको जो है ना अच्छा समझ रहे हैं, देन वो पोस्ट जो है ना हॉट के अंदर जाती है, और हॉट में वो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे पोस्ट होती है जो बहुत ज्यादा चली होती है, जो कम वक्त के अंदर बहुत ज्यादा अपवर्ड्स लिए होते हैं, जिसने बहुत ज्यादा जो है ना पॉइंट्स लिए हो, गेन किए हो, वो पोस्ट हॉट के अंदर आती है। मतलब ये जैसे है तकरीबन 5000 जो है ना जिसने पॉइंट्स हासिल किए हैं और जो है ना इसने कमेंट्स लिए हैं या इतनी लोगों ने डिस्कशन इसके ऊपर की है तो वो फर्स्ट नंबर पे है, और ये 4 घंटे के अंदर अंदर 166 जो है ना पॉइंट्स ले चुकी है और 243 इसके ऊपर कमेंट्स है तो वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। टाइम और उसका जो पॉइंट्स है वो उस हिसाब से मैनेज करते हैं वो इस चीज को, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब ये नीचे नीचे आप देखोगे तो ये सारी हॉट के अंदर जो है ना पोस्ट आपको नजर आएंगे, और न्यूज न्यू राइजिंग और हॉट हर सब रेडिट का यही यानी कि क्राइटेरिया होता है, इसी तरह जो है ना काम करते हैं। अब अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें जी ये आपने न्यूज है, ठीक है, ये राइजिंग में हम चले जाते हैं, कोई न्यूज देखते हैं,
अच्छा जी, हम यहाँ पर आए या एक जनरल यूजर के तौर पर आए, हमने यहाँ पर ये न्यूज हमें पढ़ी देखी, ठीक है, उसको ओपन किया और उसके बाद जो है ना उस पोस्ट को या उस मटेरियल को देखा। देखने के बाद हमें लगा कि यार ये पोस्ट अच्छी है तो मैं इसको अपवोट दे देता हूँ, यानी कि पॉइंट दे देता हूँ एक। तो आप यहाँ पर एक अप का निशान आ रहा है, एक डाउन का निशान आ रहा है, ठीक है, दो। और उसके ऊपर जब आपको पोस्ट अच्छी लगी, आपने अपवोट पे क्लिक कर देना है। आपको पोस्ट बुरी लगी तो आप डाउन पे क्लिक कर दें, ठीक है। हर जनरल यूजर जो है ना, हर यूजर रेडिट का, वो ये काम करता है। जरूरी नहीं है, और वे ये भी जरूरी नहीं है कि हर बंदा ही करे। कुछ लोग जस्ट जो है ना उस पोस्ट को देखकर छोड़ भी देते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर काफी पोस्ट अपनी आप न्यूज में देखते हो या न्यूज फीड के अंदर देखते हो, आप हर को लाइक तो नहीं करते, हर के ऊपर कमेंट तो नहीं करते, ठीक है। आप किसी रैंडमली उसमें से जाकर ना किसी एक को जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे हो उसके ऊपर लाइक फेंक देते हो, उसको लव कर देते हो या उसको हेट कर देते हो या जैसे भी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी कुछ लोग जो अगर तो पोस्ट अच्छी लगती है, मैंने आपको बताया कि पोस्ट उनको अच्छी लगे तो वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जैसे ये पोस्ट जा रही है, ठीक है, उनको ये बहुत अच्छी पोस्ट लग रही है, एक 101 पॉइंट्स इसके हो चुके हैं, 153 अपवोट्स लोगों ने किया है इसको, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही है और उसमें जो है ना लोग इसको अच्छा खासा जो है ना ये लाइक कर रहे हैं इस पोस्ट को, या उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है कि ये बंदे ने अच्छी पोस्ट की है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद जो है ना ये इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। तो ये इसका क्राइटेरिया कि अपवोट क्या है और डाउनवोट क्या है, ठीक है।